अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमजेश और आप लोग मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स फैनूरा से। आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने अच्छी अच्छी रिव्यू से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की एपिसोड कैसी लगी। तो आज के जो लोग वॉइस ओवर सुन रहे हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है कि आपको अपने रमजेश पढ़ा, ये बहुत रोमांटिक नावल था, ये तो मानती हूँ लव स्टोरी है, लेकिन इसमें बहुत से पहलू उजागर किए गए मुआशरे के, तो आपको किस के किरदार में कुछ सबक लगा? क्योंकि मेरे नज़दीक तो इसमें अप्रिश के किरदार में भी है, छोटा सा किरदार साइड सरताज के में भी हमें सबक नज़र आता है, सहले के किरदार से भी। तो मैंने पूरी कोशिश की है मैं अपने नावल में कुछ ना कुछ तो बता दूँ ऐसा। तो खैर से आप अपने बताना है और अपना फेवरेट डायलॉग बताना है, अपना फेवरेट सीन बताना है। तो जी अल्लाह हाफिज़, बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। रमजेश तेरीन और आसिफ किस्त 109 पार्ट 1। अब जब अपने घर का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई तो सिटिंग एरिया में इस वक्त सब मौजूद थे। वो सबको नज़रअंदाज करते तेज तेज कदमों से अपने कमरे की जानी बढ़ी। यकीन सब उसके रात बाहर रुकने पर सवालों जवाब करेंगे। वो रात जरान के साथ थी, वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। अब्रिश सहले की आवाज़ पर वो रुकी थी। जी मामा, उसने गहरा सांस लेते मुड़कर उन्हें देखा था। अपना सामान पैक कर लो, थोड़ी देर बाद हमारी पाकिस्तान की फ्लाइट है। जी अब्रिश ने आहिल अनाया सरताज को उलझन भरी निगाहों से देखते सहले को ना समझी से देखा था। हम सब आज की फ्लाइट से हमेशा हमेशा अपने मुल्क अपने पाकिस्तान जा रहे हैं, यहाँ कभी ना आने के लिए। सहले के अटल और संजीदा लहजे पर मज़ीद हैरान हुई थी। मामा आप होश में नहीं है इस वक्त, इसलिए सब कह रही हैं। आइए इन्हें समझाओ, इन्हें खुद नहीं पता। ये क्या कह रही हैं? अपनी आहिल को देखते एहतजाया लहजे में बोलते, एहतजाया मुस्कुराई थी। आहिल अनाया सरताज सब उसी लम्हे अपनी नशिस्तों से उठे थे। सहले और अब्रिश में जज्बाती सीन होने वाला था, अब सब परेशान हुए थे। क्या मतलब मैं होश में नहीं? अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क, अपनों के पास वापस जाना चाहती, क्या गलत है इसमें? सहले की बात पर अब्रिश अब की बार सर नफी में हलाते, ऐसा जाया हंसी थी। इन अपनों की बात करिए मामा, जिन्होंने हमेशा आपसे गहरों वाला सलूक किया। आप जिंदा हैं, मर गई हैं, कभी आपका पता नहीं किया। रोज जीती थी, अब रोज मरती थी आप, मगर आपके अपनों ने कभी आपका पता नहीं किया था। गलती मुझसे हुई थी, सजा भी तो भुगतनी थी। सहले का लहजा शिद्दत से भीगा था। गलती हुई थी, गुनाह नहीं, जो हवेली के लोग खुदा बनकर सजा देते। अब्रिश एकदम चीखी थी। अब्रिश काम डाउन, आहिल से चीखते देखकर संजीदगी से कहा, कैसे काम डाउन हो जाऊं मैं? अब्रिश ने गहरे सांस लेते अपने दिल पर हाथ रखा था, जहां उससे दर्द सा उठता महसूस हुआ था। जब्त करना मुश्किल था, बाबरी के कत्ल का इल्ज़ाम आहिल पर लगाया गया था मामा, और आपके अपने बाबा जान ने अपनी ही बेटी का पता नहीं किया था, क्योंकि वो अपने बेटे अरबत खान को खोना नहीं चाहते थे। अनाया को किडनैप किया गया, कोई भी आपके साथ नहीं था। आपके सो कॉल्ड गैरतमंद भाइयों को पता ही नहीं था कि अनाया किडनैप है, कैसे पता होता? वो पता करते तो पता चलता। जहले इस्लामाबाद में किन तूफानों से लड़ रही है। अब्रिश अपने लब काटते जख्मी लहजे में बोली थी। सहले अब्रिश के सामने खड़ी अपने लरजते वजूद पर काबू पाए हुए थी।
सभी परेशानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आहिल बापे के मारे गई गोलियों से मौत के मुंह से वापस आया है। आज मेरा भाई एक टांग से ठीक तरह चल नहीं सकता। मेरी अनाया 3 माह उस बहसात की कैद में रही और आपकी बुजली और अपनों की मोहब्बत ने मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। आपके सामने मुझे पिस्टल की नोक पर रखकर लेके गया था। आप कुछ नहीं कर सकी। सरान का ख्याल आते ही उसकी सांसें जैसे उखड़ी थी। उसने अपने गले पर हाथ रखे गहरे सांस लिए थे। आहिल अब्रिश को देखते नम आंखों से अपना निचला लब कुचल गया था। अब हर लम्हा पाकिस्तान जाने पर पछताई थी या आना चाहती थी। आज फिर पाकिस्तान जाना चाहती और क्या छीनना चाहती हैं आप हमसे। सब कुछ तो छीन लिया आपके पाकिस्तान और आपके अपनों ने हमसे। अब क्या बचा है हमारे पास। जो आप चाहती हैं वो भी छीन जाए। अब तलखीश से बोलते चीखी थी। नजरों के सामने फिर से वो सफा का जिड़ गंवार खान सादा आया था जो उसका सब कुछ छीन चुका था। अब रिश्ने गहरे सांस लेते अपने आंसू अपने अंदर उतारे थे। अब इस सफाक इंसान के लिए उसने आंसू नहीं बहाने थे। मेरे अपनों ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मेरा जरान हर लम्हा हर कदम पर मेरे साथ था। आहिल को बचाने के लिए उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। आहिल की सेफ्टी के लिए उसने अपनी बहन की खुशियों की भी परवाह नहीं की थी। अकेला सबसे लड़ता रहा मगर आयल को किसी का पता नहीं चलने दिया। अनाया को बेहसात की कैद से बचाने के लिए उसने अपनी जान लगा दी थी। तुम भूल सकती हो मैं अपने भतीजे के एहसान कभी नहीं भूल सकती। जहले अब्रिश के मुकाबले आई थी। आपका भतीजा सफाक अजट कंवार है। वो वैसा नहीं जैसा दिखता है। अब्रिश सरान के नाम पर तड़पते हुए हलक के बल चीखी थी। तुम भी अपने बाप की तरह हो अब्रिश बेवफा बेहिस। अब्रिश के चीखने पर मुश्तिल होते सफाकी से बोली थी। सहले की बात पर अनाया ने बेयकीनी से अपने लबों पर हाथ रखा था। सहले अक्सर अब्रिश के साथ ज्यादती कर जाती थी। मगर वो अब्रिश को ये लफ्ज कह सकती हैं उसे यकीन नहीं आया था। सहले के लफ्ज सुनते अब्रिश का वजूद सिलसिलों की जद में आया। मैं बेवफा हूँ मैं बेहिस हूँ। अब्रिश ने अपने सीने पर उंगली रखते पीछे की तरफ कदम बढ़ाते भीगी आंखों से आहिल को देखा था। भीगी आंखों से आहिल को देखा था। आहिल अब तेजी से अब्रिश की तरफ बढ़ा। अपनी बहन की जज्बातीपन से वाकिफ था। ये लफ्ज़ उसके लिए बहुत थे। मामा मामा क्या कह रही हैं आप ये। आहिल ने अब्रिश को कंधों से थामते जहले से कहा। अब्रिश का वजूद बुरी तरह लरसना शुरू हो गया था। हाँ बेहस हो बेवफा हो तुम। सहले गहरे सांस लेते त्रस्त लहजे में बोली। अब्रिश ने हमेशा उनके उनके बाप भाइयों की बेइतनी बेहसी याद लाई थी जो उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। अब्रिश गहरे से सांस लेते अपने गले को जकड़ते आहिल के सीने में समाई। आहिल ने डब डबाई आंखों से अब्रिश के सर पर हाथ रखा। भूल गई हो तुम। तुम्हें जरान ने जहीम से बचाया। उस बहसात से तुम्हारी इज्जत बचाई। अगर जरान ना आता तो वह बहसात तुम्हें नोच खाता। भूल गई हो उसका हर एहसान। जहले बेरहमी से बोलते अब्रिश के वजूद को मजीद लहूलहान कर गई थी। आहिल इनको बोलो खामोश हो जाएं। इनको बोलो खामोश हो जाएं। अब्रिश आहिल की शर्ट मुठियों में जब पकड़े रोते हुए चीखी थी। मामा खामोश हो जाएं। आप जानती हैं वो कितनी जज्बाती हैं।
क्यों उसे ये सब याद करवा रही? आहिल बेबसी से नम लहजे में बोला, अपनी बहन में उसकी जान बसती थी। उसे ऐसे वो नहीं देख सकता था। मैं जज्बाती नहीं हूँ आहिल, मैं बेहिस नहीं हूँ आहिल, मैं बेवफा नहीं हूँ आहिल। वो उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े उसकी आंखों में देखते रोते हुए बोल रही थी, मैं जानता हूँ तुम ऐसी नहीं हो, मैं जानता हूँ तुम जैसा कोई नहीं, आहिल ने नम लहजे में। कहते उसकी आंखों से बहते आंसू अपनी उंगलियों के पोरों से साफ किए, मैं जिससे भी मोहब्बत करती हूँ टूट कर करती हूँ, यही मेरी कमजोरी है, मगर मैं अपने बाप जैसी नहीं हूँ। मैं अब्रिश पाशा खुद को कहती हूँ, मगर पाशा जैसी खुद को कहलवाना पसंद नहीं करती। वो इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े सर नफ़ी में हिलाते हिचकियों से बोल रही थी, अनायास सरताज की आंखें नम थी, सहले बेहिस थी, खुद पर काबू पाए खड़ी थी। तुम नहीं हो पाशा जैसी, तुम किसी जैसी नहीं हो, आहिल उसे बच्चों की तरह पचकार रहा था। मेरी कमज़ोरी मोहब्बत है, सिर्फ मोहब्बत है मेरी कमज़ोरी, मोहब्बत ने मुझे ऐसा बनाया। बचपन से अपनी माँ की मोहब्बत को तरसी, बाप की मोहब्बत को तरसी, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते मैं तुम्हें पाल रही थी, इन्हें संभाल रही थी, लेकिन इनको कभी मुझ पर तरस नहीं आया। इन्होंने तो कभी दो घड़ी मुझसे हंसकर बात भी नहीं की, इनके लिए इनका गम ही बड़ा था, मेरे गमों का क्या आहिल, जो कोई नहीं समझ पाता मुझे, क्यों कोई समझ नहीं पाता, अपने रोते हुए टूटे कांच से लहजे में बोली, मैं समझता हूँ तुम्हें, तुम्हारा भाई समझता है तुम्हें। आहिल भी अब रो दिया था, बचपन खो दिया, सब कुछ खो दिया, कब 15 की हुई, कब 18 की हुई, कब 20 की हुई, पता ही नहीं चला। फिर ये ज़बरदस्ती पाकिस्तान ले गई, नहीं जाना चाहती थी, मगर इन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल किया, हर बार की तरह इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, और अब्रिश पाशा अपनी माँ के आगे हार गए। अब्रिश अब शिद्दत से फूट फूट कर रो दी थी, आहिल की शर्ट छोड़ने को तैयार ही ना थी, आहिल का खड़ा रहना मुश्किल। बगैर स्टिक के सहारे खड़ा था, इसकी टांग में शदीद दर्द उठा था जो उसके चेहरे से आता, ये देखते सरताज जल्दी से अब्रिश के दिल पड़े। आहिल ने हाथ के इशारे से उसे वहीं पर रुकने को कहा, सरताज गहरा सांस लेते रुक गई थी। सहले अपने लरजते वजूद पर काबू पाए खड़ी थी, बहुत अरसे बाद उन्हें अपने सर में दर्द होता महसूस, अपना दिमाग तारीकी में ज़्यादा महसूस हो रहा था। मैं इनके सो कॉल्ड भतीजे की मोहब्बत को ठुकराती रही, क्योंकि मोहब्बत मुझे रास नहीं आती आहिल। इस लड़की को अपनी माँ की मोहब्बत ना मिली हो, अपने बहन भाइयों के साथ खेलने को तरसी हो, इस लड़की को कैसे कोई मोहब्बत कर सकता था? जहले की बेपनाह खूबसूरती पर पाशा ने उसे रोल दिया था, क्योंकि जहले ने उससे मोहब्बत की थी, तो अब्रिश को कैसे उसकी खूबसूरती की बिना पर मोहब्बत मिल जाए? आहिल मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं चाहूँ तो तन्हा ज़िंदगी गुजार दूँ, मगर क्या करूँ इस दिल का जो सबकी मोहब्बत मांगता है, सबसे ज़्यादा उस शफाक इंसान की मोहब्बत मांगता है, मगर अब्रिश पाशा से कोई भी मोहब्बत नहीं करता। अब्रिश उसकी शर्ट मुठियों में जकड़े आहिल से लिपटी थी, अब्रिश का पूरा वजूद आहिल की टांगों पर आ रहा था, वो अपनी बहन का थोड़ी देर वजन नहीं संभाल पा रहा था, उसे कैसे सहारा देता, वो बेबसी से रो पड़, मैं करता हूँ तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मौत से लड़ते हुए तुम्हें याद करता रहा, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, आहिल उसे सीने में पीछे शिद्दत से रो दिया था। मेरी माँ मुझे आज तक ताने देती है, दुनिया कैसे भूलेगी मेरे जुर्म? अब्रिश इसे इसकी लेते आहिल की आंखों में देखते सवाल किया, तुम ये सांस दिला रही हो अब्रिश, तुम्हें अपने शोहर का घर नहीं छोड़ना चाहिए था, कुछ भी हो जाता
तुम्हें रात के अंधेरे में घर से नहीं निकलना चाहिए था। औरत की गलतियां ये मुआशरा कभी नहीं भूलता। मुझे देखकर भी तुमने सबक नहीं सीखा। जहले ने दीवार का सहारा लेते कहा, आपको नहीं पता मैं किन अजाबों से गुजर रही थी। मेरा शौहर मेरा होते हुए भी मेरा नहीं था। मुझे वो कमरा कैद लगता था, सांसें बंद होती थी मेरी। अब्रिश बुरी तरह चीखी थी, जरान का सितारा खान के साथ आज सुबह नाश्ता करना याद आया था। उसकी कल भी सांसें बंद होती थी, उसकी आज भी सांसें बंद हो रही थी। उसी कमरे उसी कैद में तुम वापस जाने के लिए उसकी मिन्नतें कर रही थी। जहले की बात पर वो कब से आंखें मीच गई। आयल ने उसके लड़ते वजूद को बाहों में भरा हुआ एक झटके से उससे दूर हुई थी। छोड़ के आ था वो मुझे, अब उसके पास कभी वापस नहीं जाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अपने आंसू साफ करते अटल लहजे में बोलती, तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। अब्रिश तुम जाओगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम ना गई मैं अपनी जान ले लूंगी। जहले की आवाज पर वो रुकी थी। कितनी बार मामा, कितनी बार? कब तक अब्रिश पाशा को ऐसे ब्लैकमेल करेंगे? मेरे मोहब्बतों का सब आप सब इम्तहान कब तक लेंगे? मैं जानती हूँ वो भी इसलिए इतराता है, उसे पता है अब्रिश पाशा की धड़कनों पर उसका नाम धड़कता है। अब्रिश ने मुड़ते हुए जहले को देखा था, मगर अब और नहीं। मैं किसी को खुद को इमोशनली एक्सप्लोइट नहीं करने दूंगी, अब्रिश कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ी। अब्रिश के इनकार पर जहले को अपना दिमाग चकराता महसूस हुआ था। बाबा, जहले ने रोते हुए दीवार का सहारा लिया था। उसी टाइम जहले को बुरी तरह फिट्स पड़ा था, उनके बदन को झटका सा लगा था। अपनी गर्दन पर हाथ रख के थी आहल अनाया जल्दी से जहले की तरफ बढ़े। अब्रिश ने पलटते हुए जहले को देखा जो आहल की बाहों में बेहोश थी। अब्रिश ने अपना निचला लब बेदर्दी से कुचलते जहले को रोते हुए देखा। दूसरे लम्हे वो भागते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। अपने बेड पर टांगे नीचे की तरफ लटकाए अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ी गहरी सांस लेते बैठी थी। चादर उसकी जमीन पर पड़ी थी, जब से उसका बदन हिचकोले ले रहा था। जहले को आज 6 माह बाद दौरा पड़ा था। वो होशो खिर से बगाना हुई थी जब जरान उसे छोड़कर गया था। उसके होश में आने पर जहले को बहुत बार दौड़े पड़ते थे। उसे रोते तड़पते देखकर जहले को हर दूसरे दिन दौरा पड़ता था। अमरीका आने के बाद जहले ठीक रही थी, आज फिर से वो बेहोश थी। अपनी गहरे सांस लेते अपना सर दोनों हाथों में गिरा गई। दरवाज़ा खुलने के बाद पर उसने सामने देखा जहाँ से अनाया अंदर दाखिल हुई थी। कैसे हैं मामा? अपरिश ने अपनी भीगी आवाज़ पर काबू पाते पूछा। कैसे हो सकती हैं? वैसे ही जैसे हर फिट्स के बाद होती हैं। बहुत बुरी हालत है इनकी, अनाया ने संजीदगी से कहते अलमारी से बैग निकालते बेड पर रखते अपरिश के कपड़े उस पर डाले थे। रही हो? अपरिश ने भीगे लहजे में चटकते पूछा। आप जानती हैं मामा आपके बगैर नहीं जाएंगे, तो जिद करने का फ़ायदा? अनाया ने संजीदगी से कहते अब्रिश की ज़रूरत की चीज़ें बैग में डाली थी। मैं जिद कर रही हूँ, अब्रिश ने भीगे लहजे में इस्तफसार किया। चले मामा जिद कर रही है, मगर वो हमारी मामा है। आप ये क्यों नहीं सोचती? जिंदगी ने इन्हें कुछ नहीं दिया, हमसे कहीं ज़्यादा उन्होंने सहा है। उनके एक गलत फैसले ने सब बर्बाद कर दिया और उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया। अब रिश तलखी से बोलते हंस पड़ी थी। आप भी भूल जाए बचपन की महरूमियां, अनाया ने सबसे कहा। बचपन की महरूमियां? उस जेरे लफ्ज अनाया के लफ्ज और आते जख्मी सा मुस्कुराए। मेरे लिए जिंदगी का दूसरा नाम ही महरूमी है, उसे देखी ही कहा मैंने, अब रिश बोलते हुए जख्मी सा हंस पड़े।
अभी मैंने भी बहुत कुछ देखा है। 3 महीने उस बंद कमरे में रही, किसी इंसान का चेहरा नहीं देखा था, मगर मैंने इस बात को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाया, खुदा का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने मेरी इज्जत बचाई। इस कैद से बाहर आते मैंने मिस्बत पहलू को देखा। भूल जाए सब कुछ, यहाँ सबने ही सहा है, जितना याद करेंगी जिंदगी जैसी सजा जैसी लगेगी, अनाया ने रसानियत से कहा। कैसे भूल जाऊँ, आसान नहीं है मेरे लिए, कोई मुझे भूलने ही नहीं देता। अब डिश बेड पर सीधा लेटे चेहरे हाथों में छुपाए ऊंचा ऊंचा रो दी थी। तुम्हारी कमर का दिल किसी और मर्द ने भी देखा, ये एक बात मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ने ही नहीं देती। इस सितमगर के लफ्ज़ याद करते टूट कर बिखर रही थी। वो है उससे हमेशा लफ्ज़ों की मार मारता था, मगर कुछ लफ्ज़ जैसे उसकी रूह पर जख्म दे चुके थे। तुम्हारे लगता है तुम्हारे साथ गुजरी हुई मेरी रात हसीन भी हो सकती है, और तुम जैसी बीवी अपने शोहर के सुकून का सामान भी बन सकती। तो मेरे नज़दीक एक बेशर्म औरत हो जिसे अपने शोहर को सुकून पहुँचा कर नहीं बल्कि अपने जिस्म की नुमाइश करके सुकून मिलता। एक ही ख्वाहिश थी जो औरत मेरी ज़िंदगी में आई। मैं उसे मेरे अलावा किसी ने नज़र भर कर न देख ली कि तुम्हें गली के हर किसी ने देखा है। पूरी तरह रो दी थी। उसने अमेरिका में रहते जहाँ उस पर किसी ने पाबंदी नहीं लगाई थी, कभी किसी को अपना हाथ नहीं पकड़ने दिया था, बोल्ड ड्रेसिंग भी कर लेती थी, मगर कभी नहीं जहाँ उसमें बदन की नुमाइश हो, कोई मर्द उसको देखे, तब भी नहीं जब जहीम ने उसका हाथ पकड़ा था। वो तो जहीम की आंखों में जमे आंसुओं पर नजरें टिकाई हुई थी, एक जज्बाती लड़की जो एक मर्द के आंसुओं पर यकीन कर बैठी थी। उसे गली के हर ने देखा था, मगर उसने कभी किसी को नहीं देखा था, न किसी को अपने करीब आने दिया था, यहाँ तक कि वो अपनी इज्जत के खौफ से गहरे पानी में उतर गई थी। वो ना था तो खुशी खुशी मौत को गले लगा लेती, मगर किसी को अपने करीब ना आने देती। फिर भी वो समझ नहीं पाया उसे कि वो कैसी है। अब गहरे सांस लेते बेड पर छत लेटी मातम कदा अंदाज में रो रही थी। तू ही मेरा जहां, तू ही जुदा तेरी हो, रो मुझसे बांध ले हर शय में है तू, हर ख्वाहिश में। अभी जरान भाई इतनी बुरे नहीं है, अनाया ने उसे ऊंचा ऊंचा रोते देखते तड़पते हुए कहा। मैंने कब कहा वो बुरा है, वो बहुत अच्छा है, वो अपनी बहन के लिए अच्छा है, वो अपनी मोरे के लिए अच्छा है। अपने भाई के लिए अच्छा है, वो सबके लिए अच्छा है, यहाँ तक वो अपनी पार्टी में काम करने वाली उस सितारा खान के लिए अच्छा है, वो अपने घर में रहने वाली अपनी मामू की बेटी पलविशा के लिए भी मेहरबान है, वो दरख्शा के लिए भी अच्छा है, वो गेट पर खड़े गुल खान के लिए भी। गुल खान के लिए भी अच्छा है, सिर्फ मेरे लिए अच्छा नहीं है। अमरीश अपने आंसू साफ करते छत को देखते कर्ब से बोली थी। अनाया उसकी बातों पर सर्द सांस खींच गई। तुम समझाओ मामा को, मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ छोड़ दे। अनाया मुझे नहीं जाना, अमरीश बेड से उठती अनाया के मुकाबिल आई थी। आपकी मामा नहीं मानेगी, दाजी ने खुद कॉल की है, आपको पता है वो अपने बाबा जान के लिए पागल हैं और वो कभी आपको छोड़ कर नहीं जाएंगी। आप नहीं जाएंगी तो रोज़ उन्हें ऐसे दौरे पड़ेंगे, वो अपनी ज़िंदगी अपनों के दरमियान गुजारना चाहती हैं। मत करें उनके साथ ऐसा, अनाया ने अल्ताजाइया लहजे में कहते अबरीश के हाथ पकड़े थे। अबरीश ने गहरे सांस लेते अनाया को टप टपाए लहजे में देखा था। फिर से मेरा इम्तहान ले रही हैं, कैसे मजबूत हूँ मैं जब कदम कदम पर तुम लोग मुझे ऐसे ब्लैकमेल करोगे। अबरीश ने अपने हाथ छुआते बेबसी से कहा, आप ही चली जाएं,
चले जाएं एक बार और हम मामा को मना कर राहिल के पास साथ वापस आ जाएंगे। अभी चली जाएं, अनायत ने मिन्नत भरी लहजे में कहा। अपनी अपना हाथ छुड़ाती भीगी आंखों से देखती सर नफी में हला गई थी। वो अपनी आंखें बेदर्दी से रगड़ते वॉशरूम की तरफ बढ़ी। अभी दाजी कह रहे थे हवेली में बहुत बड़ा फंक्शन है, मुझे लगता है किसी की शादी है। अनाया की बात पर उसके कदम रुके थे। शादी किसकी है? राम लाला की है क्या? अब रिश्ते जुलूस में बोलते अपना निचला लग दांत तो तले दबाया था। वो जानती थी ऐसा नहीं हो सकता, राम हूर के अलावा किसी दूसरी औरत को देखकर अपनी सांसें रोक सकता है मगर उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता। वो हवेली में रहकर जान चुकी थी अरहाम खान ज़ादा की सुर्ख आंखों में उसकी बीवी रहती थी। वो दीवाना था उसका, मगर किसी और का नाम कैसे वो ले लेती? अगर लेती तो सांसें रुक जाती उसकी, उनकी कैसी हो सकती है? वो हूर आप ही से बहुत प्यार करती है तो सब जानते हैं, आपको लगता है वो ऐसा करेंगे कभी क्या? अनाय ने वृष के गुलाबी चेहरे को वो गौर देखते संजीदगी से सवाल किया। फिर अबरिश ने बेयकीनी से अनाया को देखते दिल पर हाथ रखते गहरे सांस लिए थे। अनाया कहीं वो नाम न ले ले जिसका सोचकर इसकी सांसें रुक रही थी। सतारा तुम्हें अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे हर कदम पर जरान खान ज़्यादा तुम्हारे साथ खड़ा होगा। इस वहाँ कच्चर गवार के लफ्ज़ याद करते अबरिश ने सर नफी में हिलाते हुए डबडबाई आंखों से अनाया को देखा। दूसरे लम्हे वो तेज़ी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी। बेड की पाइंती से उसका पाँव पूरी तरह टकराया था। सी की आवाज़ निकालते हुए रुकी थी। नाखून टूट कर अंगूठे से अलहदा होकर दर्द की लहर उसके पूरे वजूद में सरायत की थी। आंखों के आगे अंधेरा छाया था, वो अपना सर झकड़ गई। अनाया जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। वो भागते हुए वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हो गई थी। शावर खोलते वो कपड़ों समेत ही भीग रही थी। शावर खोलते हुए कपड़ों समेत ही भीग रही थी। सरान खानजादा ने अपनी रिस्ट वॉच में नजरें दौड़ाते परेशानी से अपनी हल्की गनी बेड सहलाई। फ़्लाइट के टेक ऑफ होने में कुछ ही देर रह गई थी। अब इन सब की बोर्डिंग होना क्लियरेंस होना बाकी था और उसकी बीवी का कुछ नहीं पता था। वो इस वक्त एयरपोर्ट के लाउंज में बेचैनी से अपना एक हाथ दूसरे हाथ में फंसाई अपनी टांगें हिलाती अपने चमकदार स्याह बूटों पर नजरें गाड़े हुए था फंसाए अपनी टांगें हिलाती अपने चमकदार स्याह बूटों पर नजरें गाड़े हुए था। आज भी वो बैठ वक्त कई महाजों पर लड़ रहा था। उसकी बहन उसकी जान निकाले हुई थी, उस पर लम्हा ब लम्हा भारी पड़ रहा था। अपनी जान से भी ज़्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता था उसकी बहन थी, जिसकी खुशियों के लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसकी खुशी क्या थी वो जानता था। वो जानता था एक मरतबा उसके अपने उसे फिर से तन्हा कर देंगे। वो इन तूफानों से अकेले लड़ेगा, अब की बार वो अपने भाई को खो देगा। जरानी गहरे सांस लेते अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोलती गहरा सांस लिया। वो इस वक्त ब्लैक कलर की पैंट ब्लैक कलर की शर्ट में मलबूस था जिस पर ब्लैक कलर का कोट था। नजरों के सामने अपनी बीवी का चेहरा आया था जब वो उसकी शर्ट जकड़ी उसकी शिद्दत अपने लबों पर बर्दाश्त कर रही थी। रात के वो लम्हे उसकी नजरों के सामने आए थे। 7 माह बाद वो सुकून की घड़ियां याद दाई थी जो उसने अपनी बीवी के पहलों में गुजारी थी। अपने बूटों पर नजरें गाड़े अपनी आंखें उंगलियों से बेदर्दी से मसल गया। बेवकूफ़ जज्बाती अबरिश खानजादा जो अपने शोहर की दीवानी है,
वो मुस्कुराते हुए पढ़ पढ़ाया था, योर डाई हार्ड फैन। उसे लब लब शवाता मुस्कुराते हुए सोफे से टेक लगा गया। उसके सामने एयरपोर्ट लाउंज में सितारा खान बैठी थी, जो ब्लैक कलर की जीन्स पर बेहद शॉर्ट टॉप पहने हुई थी। जिस पर छोटी सी जैकेट पहनी हुई थी, शोल्डर कट बाल उसकी शानों पर बिखरे थे। सितारा खान ने फ़ोन कान से लगाए, बात करते चमकती आंखों से जरान को देखते ओके का इशारा किया था। जरान गहरा सांस लेते अपने कोट के अगले दो बटन खोल गया। खोलते गहरा मुस्कुराते सोफे से टेक लगाई टांग पर टांग जमा गया था। जरान की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। सामने से उसे जहले अनाया अहिल जरदार जाते नजर आए। वो जल्दी से सोफे से उठते उनकी तरफ बढ़ा, कदमों में अचलत और बेचैनी थी। अनाया भागते हुए जरान के गले लगी थी। जरान उसके लिए मसीहा था, वो जरान से बेहद मोहब्बत करती थी। 3 माह की कैद के बाद पहला चेहरा जरान का ही तो देखा था, उसे अपने लिए परेशान देखा था। उसे बेहजाद ने छुआ ना, वो एक बड़े भाई की तरह परेशान था। उसकी इसे सही सलामत ये सब पूछते कैसे जरान खानजादा जैसे चिटार इंसान के लब कप कपा रहे थे, वो आज तक लम्हे भूली नहीं थी। जरान ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा। कैसी है मेरी गुड़िया, जरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ मिनिस्टर साहब, आप कैसे हैं? अनाया ने जवाबन मुस्कुराते हुए आईब्रो झुकाते पूछा। अनाया की बात और अंदाज पर जरान का बर्चस्ता कहकर गूंजा था। वो इस वक्त जीन्स पर घुटनों तक शॉर्ट गर्म जर्सी पहनी हुई थी, गले में मुफलर लिया था, ऊंची पोने बनाए वो बेहद मासूम लग रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे आज से माँ पहले थी। बेजात की कैद ने उसकी मासूमियत और बचपने पर कोई असर नहीं डाला था। जरान उसे देखकर खुश हुआ था, शुक्र किया था अपनी बहन जैसे जज्बाती में। आहिल ने सिस्टिक के सहारे आगे बढ़ते नम आंखों से जरान को गले से लगाया। बहुत अच्छा लगा जरान भैया आपको देखकर, आहिल मुस्कुराते हुए जरान से लगवा था। मुझे भी अच्छा लगा ब्रेव मैन, जरान ने मुस्कुराते हुए कंधा थपथपाया। जरा ने आगे बढ़ते सरताज के सर पर हाथ रखा। सरताज की आंखें शिद्दत से भीगी थी, वो लम्हा याद आ। जब बाबरी जैसे दरिंदे से जरान ने बचाया उसकी और उसके शोहर की जान का वो मुहाफिज था। जरान को देखते वो रो दी थी, बेहसाद की मौत याद आई थी, चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी। एक मोहब्बत ने उससे उसका भाई छीन लिया था, पता नहीं वो गलत थी या उसका भाई। आज भी वो रातों को ये सब सोचते खुद से सवाल करते हुए सो नहीं पाती थी। जरान ने आगे बढ़ते अब जहले को अपने सीने से लगाया तो जहले जरान के सीने से लिपटे शिद्दत से रो दी थी। फूफू अब आप हमेशा के लिए हमारे पास आ रही हैं, आपको मैं अब हवेली से कहीं नहीं जाने दूंगा। आप अपने बाबा और भाइयों के पास रहेंगी, जरान ने जहले के हाथ नरमी से थामते कहा। जहले असवात में सर हिलाते नम आंखों से मुस्कुराई थी। जरान की बेचैन नगाहों का मरकज सामने की तरफ था, वो अपनी जिद्दी बेवकूफ़ जज्बाती बीवी को ढूंढ रहा था। वो क्या नहीं आई वो ये सोच कर ही पागल हुआ था। यकदम शर्दम उसकी ब्राउन आंखें चमकी थी, नजरें सामने जम कर रह गई थी, जहाँ उसकी बीवी सर से पैर तक चादर में लिपटी आ रही थी, अपना चेहरा तक उसने ढांपा हुआ था। जरान खानजादा के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। जरान ने बहुत गहरी निगाहों से अपनी बीवी का इस्तकाक से मायना किया, जो मुकम्मल चादर में छुपी हुई थी। अपने खूबसूरत बदन को मुकम्मल तौर पर ढांपे हुई थी, उसे ऐसे खुद को छुपाए देखकर जरान के लबों पर मगरूराना मुस्कुराहट छाई थी, खुद पसंद मगरूर मुस्कुराहट,
जो एक पाक औरत की हमराही पर मर्द के चेहरे पर होती है। अपनी चॉइस के चलते हुए आगे बढ़ी थी, जरान को देखती अब्रिश के कदम रुके थे, वो बेयकीन हुई थी। जरान ने अपनी मुस्कुराहट दबाई, अपने चमकते बूटों को देखा था, निकाब से नजर आती अब्रिश की आंखें शिद्दत से जल मलाई थी। जरा ने दोबारा से नजरें उठाई इसकी तरफ देखा, जो एयरपोर्ट लॉन्च के वस्त में से देखकर रुक गई थी, बतराई कैफियत में खड़ी थी। जरान की गहरी बेचैन निगाहें उसकी ब्राउन शफाफ आंखों पर थी, जिनका दर्द आज कुछ अलग था। सरान बहुत बहुत गहरी निगाहों से इसकी साकत वजूद को देख रही, उसे सपाट निगाहों से खड़े देख रही थी, आगे बढ़ ही नहीं रही थी। दूसरे पल वो आस्ती से चलते हुए सब की तरफ आई थी। आहिल फ्लाइट टेक ऑफ होने में कुछ ही देर रहेगी, अभी बोर्डिंग भी रहती है, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से। अपनी जरान को बिल्कुल नज़रअंदाज कर गई थी। उसकी नज़रअंदाज करने पर जरान के लबों पर मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी, उसे कितना नज़रअंदाज कर सकती थी वो जानता था। हाँ चलते ही आहिल ने अब्रिश को अपने हिसार में लिए, उसकी आंखों पर बारी बारी लब रखे थे, उसकी भीगी आंखें देख चुका था इसलिए तड़पते हुए लब रखे। उसे यकीन दिलाया था उसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, ठीक हो तुम? आहिल ने अब्रिश की भीगी आंखों को देखते मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब्रिश संजीदगी में बोलते उसके हिसार में आगे बढ़ी थी। वो स्टिक के सहारे अपनी बहन को अपने बाजुओं के हल्के में लिए आगे बढ़ रहा था। अब्रिश के कदम यकदम रुके थे, सामने ही सोफे पर सितारा खान लैपटॉप गोद में लिए बैठी उसमें बुरी तरह मसरूफ थी। अब्रिश ने बेयकीनी से उसे देखा था, दूसरे ही लम्हे उसने मुड़ते हुए जरान को शिकवा के ना निगाहों से देखा था। जरान उसकी गुलाबी जख्मी नजरों का मतलब समझते सर्द सांस खींच गया था। चलो यहाँ से, अब्रिश आहिल को कहते तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गई थी। जरान ने अपने घने बालों में उंगलियां फेरते ही अब्रिश के सच सपाट रवैये को महसूस किया। वो इस अब्रिश से बहुत मुख्तलिफ थी जो कल से उसके पास ही, थोड़ा सा सर्द रवैया था, अजीब सा। अनाया ने जरान को परेशान देखते उसे आंख मारी। अभी इश्क में इम्तहान है और भी, अभी से हिम्मत हार के मिनिस्टर साहब, अनाया ने जरान के करीब होते शरारती लहजे में सरगोशी की। ना इम्तहानों से और ना इश्क करने से मैं डरता हूँ, तुम्हारी जज्बाती बहन को मुझे कंट्रोल करना आता है, तुम फिक्र ना करो। अच्छी तरह पता है उसे कैसे काबू करता है, जरान ने जवाबन मुस्कुराया था। जहले और जरताज आहिल और अब्रिश की तरफ बढ़ी, अनाया भागते सबके हम कदम हो गए। जरान ने अपनी पेंट की पॉकेट में दोनों हाथ डालते अपनी बीवी के कदमों की उजलत देखी थी, वो तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी।
शहराम ने अपने कमरे में दाखिल होते अपना कोट उतार कर सोफे पर छाना था। अपनी शर्ट के कफ फोल्ड करते हुए कमरे में एक तरफ रखे बेबी बेड की तरफ बढ़ा। बहराम बेड पर लेटा गहरी नींद में महक था। शहराम नम आंखों से मुस्कुराते उसे देख रहा था। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुलने पर उसने सामने देखा जहाँ से बाहरें बाहर आई थी। उसे ब्लैक कलर की चुंटों वाली लॉन्ग गर्ल फ्रॉक में मलबूस थी। ब्राउन सिल्क की लंबे बाल खुले हुए थे। शहराम ने गहरी निगाह बाहरें पर डाली। जिसे माँ बनने के बाद पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। शहराम ने ऊपर से नीचे तक इस्तेहकाक से उसका मुआयना किया। बाहर को ड्रेसिंग रूम से निकलता देखकर अब तेजी से उसकी तरफ बढ़ा था। उसके चेहरे से उसके चेहरे से आ था उसके स्टिचेस में शदीद दर्द है। कुछ चाहिए था मुझे बता दी तुम क्यों गई ड्रेसिंग रूम में। शहराम ने नरमी से उसकी कमर पर हाथ रखते उसके शाने पर बिखरे बाल पीछे करते से बहुत नरमी से अपने सीने में भेजते खुद को सुकून पहुंचाया था जिस सुकून के लिए पिछले कुछ दिनों से तरस गया था। बहारे ने पूरी कुवत से उसे खुद से दूर धकेला। शहराम उसके धकेलने पर खुद ही जल्दी से उससे दूर हुआ। बहारे तुम्हारे स्टिचेस अभी ठीक नहीं हुए इस तरह मत किया करो। शहराम ने पीछे होते चेहरे उसके सुख चेहरे को देखते कहा जहाँ उसके करीब आने पर नागवारी छाई थी जो शहराम खान को जीत के इंतहा पर ला खड़ा कर गई थी। उसे वही बहारे लगी जो आज से कुछ माह पहले उसके लिए थी। ऐसी ही नागवारी उसके चेहरे पर होती थी जब वो उसके करीब जाता था। तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं तुम मुझसे दूर रहा करो बस। बहारे उसके साइड से गुजरते बेड की तरफ बढ़ी थी। बेड क्राउन को पकड़े वास्ती से बेड पर बैठी। उठने बैठने से स्टिचेस में शदीद खिंचाव पड़ता था ना वो खाना खा रही थी दो लकमे लेकर वो खाना वापस कर देती थी। रुकिया खानम के हज़ारों मिन्नत समाजे पर वो खाना नहीं खाती थी। लकमे उसके हलक से उतरते ही नहीं थे ना ही प्रॉपर मेडिसिन ले रही थी जिसकी वजह से स्टिचेस में शदीद दर्द था। शहराम कुछ पल उसे देखता रहा फिर आज किसी चलता उसके सामने उसके करीब बेड पर बैठा। वो शहराम को देखकर अपनी निगाहें फेर कर रह गई थी। कब तक ऐसे रहोगे कितनी सजा दोगे मुझे। शहराम ने उसके बाल आरे से नरमी से कान के पीछे अड़से। सजा क्या होती है तुम्हें मालूम ही नहीं है। सजा वो है जो मैंने काटी है इन कुछ दिनों में और अभी काटूंगी शायद सारी उम्र। बाहर स्मार्ट ऐसे सजाया लहजे में शहराम को देखते बोली मेरे लिए सजा तुम्हारी बेरुखी है और मैं तो बचपन से काट रहा हूँ। शहराम ने नरमी से कहते उसके हाथों को पकड़ते उस पर लब रखे थे। वो बहुत नरमी से उसकी हथेलियाँ उंगलियों से सहला रहा था। वो खुद को कितनी तकलीफ दे रही थी वो जानता था। उसकी कंडीशन देखते हुए उसके लिए बेहद परेशान था। अब ये सजा तुम्हें सारी उम्र काटनी पड़ेगी। बहारे ने अपने हाथ शहराम के हाथों से सरस से खींच खींचे थे। तुम पास रहो मेरी होकर रहो काट लूंगा ये सजा मुझे आदत है तुम्हारी बेरुखी सहने की। सोचूंगा मेरी ज़िंदगी के साथ माँ खूबसूरत ख्वाब की तरह थी जब हारे गुल अपने शहराम पर जान देती थी उसे खुद से ज़्यादा चाहती थी। मेरी ज़िंदगी के साथ माँ खूबसूरत ख्वाब की तरह थी जब हारे गुल अपने शहराम पर जान देती थी उसे खुद से ज़्यादा चाहती थी। वो साथ माँ ख्वाब नहीं शराब था सब कुछ झूठ था। इन साथ माँ में शहराम खान मेरे साथ नहीं था। वो शहराम खान नहीं था जो मेरी बेरुखी सह कर भी मुझसे मोहब्बत का दावेदार था।
इन 7 माह में एक बेटा, एक बटा हुआ इंसान मेरे साथ था, जो हर पल एक गैर औरत के दुख के बारे में सोचता था, जो मेरे पास होते भी मेरे पास नहीं होता था। वह रनी शहराम की आंखों में देखते भीगे लहजे में कहा, ना चाहते हुए भी लहजा भीग के भीगते शिकवा किना हो गया था। वो एक आम शौहर होता तो वो भूल जाती, उसकी बेवफाई के दिए हुए जख्म वो हंस कर सह लेती, मगर वो क्या करती। शहराम खान एक आम मर्द नहीं था, वो एक आम पठान नहीं था। कैसे उसने खुद को खास से आम किया, वो शहराम खान का आम होना कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। तुम्हारे पास होते शहराम खान कभी किसी दूसरी औरत को नहीं सोच सकता। शहराम खान ने बहारे के लिए उस दूसरी औरत को मरने के लिए छोड़ दिया था, जिसका तुम्हें लगता है मैंने रोग पाला है। शहराम खान का रोग एक ही औरत हो सकती है, वो है उसके बचपन की। उसके बचपन की मनकुहा, उसकी मोहब्बत, उसका इश्क। बहारे गुल खान वो उसकी आंखों में देखते गंभीर लहजे में बोला, बहारे की आंखों में शबनम के साथ इस्तेज़ा या पन भी आन ठहरा था। शहराम खान ने अपने खून पर सवाल उठा दिए थे, अपने कोल अपने वादे से फिर गया था, मगर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। शहराम नरमी से कहते, उसकी आंख के गोशे पर ठहरी शबनम अपनी लबों से चुन गया था। शहराम खान बेवफाओं से भी बड़ा बेवफा निकला, जिसे अपनी बेवफाई पर ज़रा बराबर शर्मिंदगी नहीं है। बहारे उसे खुद से धकेलते थोड़ धकेलते दबी आवाज़ में चीखी थी। उसके बदन से उठती महक जो हमेशा उसे जानलेवा लगती थी, आज भी जानलेवा थी, जो उसकी जान निकाल रही थी। कैसे शर्मिंदा हूँ बहारे, क्या करूँ तुम्हें यकीन आ जाए मैंने कभी तुमसे बेवफाई नहीं की। शहराम ने उसकी दूर धकेलने पर गर्व से पूछा, बेवफाई क्या है तुम्हारे नज़दीक, बताओ मुझे। किसी दूसरी औरत से शादी का वादा करना, उसके लिए अपना घर अपना कमरा सजाना, दूसरी औरत को उस औरत का हक देने जा रहा था शहराम खान, जिस औरत से इश्क का दावा किया था। बंद कमरे में शहराम खान उसी दूसरी औरत को अपने सीने से लगाए खड़ा था और कहता है वो बेवफा नहीं। मैं कहती हूँ शहराम खान से बड़ा बेवफा कोई नहीं। बहारे इस्तेज़ाया जख्मी सा मुस्कुराई थी। बहारे बंद कमरे में वो एक लम्हा था जब वो मेरे करीब आई, यकीन मानो वो कभी मेरे करीब नहीं आई। वो मेरे सीने से लगे ज़रूर थी, मगर मैंने उसे अपने सीने से नहीं लगाया था। वाह क्या जस्टिफिकेशन है तुम्हारी, तुम्हारे सीने से लगी थी लेकिन तुम उसे लगाए नहीं खड़े थे। बहारे शहराम की बात काटते इस्तेज़ाया मुस्कुराई थी। मुझे सिर्फ इतना बता दो शहराम खान, इस तरह कोई मर्द मुझे सीने से लगाए खड़ा तो तुम क्या करते। बहारे शहराम बहारे को मारने के लिए हाथ उठाए थे, यकदम पूरी कुव्वत से हलक के बल दहाड़ा था। बहारे गाल पर हाथ रखे उसकी दाढ़ पर पूरी तरह लरस गई थी, वो यकीनी से गाल पर हाथ रखे शहराम को देख रही। जिसकी आंखों में खून की लाली उतरी थी, शहराम खान ने बहारे को कहर बार निगाहों से घूरते अपना हाथ पहले कराते लब भींचे थे। शहराम की धाड़ पर बहराम सोते में उठता पूरी तरह डर गया था, वो पूरी तरह रोने लगा था। बहारे ने शहराम को नम आंखों से नम आंखों से देखा, जो मुठियां भींची उसे सुर्ख आंखों से देख रहा था। बहारी बहराम के रोने पर बेड से उठते जल्दी से बहराम के बेड की तरफ बढ़ी, उसे उठाते सीने से लगाया, वो बुरी तरह हिचकियों से अब रो रहा था। भारी अभी भारी भी उसे सीने से लपटाए रो पड़ी थी। स्टिचेस में शदीद दर्द उठा था, पता नहीं वो स्टिचेस में उठते दर्द की वजह से रो रही थी या दिल में उठते दर्द की वजह से, मगर वो बहराम को सीने से लगाए रो रही थी। एक शहराम खान के मारने की कसर रह गई थी, जिसकी जो इस हालत में पूरी करने लगा था उसे इस कंडीशन में। मारने लगा था वो बेयकीन थी, बहराम को सीने से लगाए रो रही थी। शहराम ने गुस्से से पूरी कुछ साई टेबल पर मुक्का दे मार दे
खुद के इश्तियार पर काबू पाने के नाकाम सही की बहारे के लफ्जों ने इसे पागल किया था। खून रगों में आग की भट्टी की तरह गर्म हुआ था। किसी गैर मर्द के साथ नहीं सुन सकता, उसने आज फिर खुद को किसी दूसरे मर्द के साथ जोड़ा था। बहराम और बहारे को रोते देखकर शराम अब झंझला कर रह गया था। बेड से उठता बहारे की तरफ बढ़ा, जो बहराम को सीने से लिपटाए बुरी तरह रो रही थी। लाओ मुझे दो, शराम ने बहराम उससे लेना चाहा। रहने दो तुम, मेरा ख्याल नहीं सही, अपने बच्चे का तो कर लेते, तुम्हारी धाड़ पर वो डर गया है। बहारे दो कदम पीछे हुई थी, मेरी ज़रा सी बात बर्दाश्त नहीं कर सके, जो कभी हुई नहीं न कभी हो सकती, जो सोचो शहराम मुझ पर क्या बीती होगी। फिर भी तुम कहते हो तुमने बेवफाई नहीं की, बहारे बहराम को सीने से लिपटाए रोते हुए बोली। बहारे बहराम रो रहे से मुझे तो, शहराम ने लब भीजे कहा, अगर बहराम ना रोता तो मुझ पर हाथ भी उठा देते, यहाँ तक ये ख्याल ना रखते मेरी कंडीशन क्या है। मेरे लबों से किसी गैर मर्द का नाम भी नहीं सुन सकते, मैं तुमसे तलाक मांगती, तुम हमेशा कहते थे तुम मुझे तलाक नहीं दोगे, क्योंकि तुम मुझ पर अपना हक तसल्लत ख़त्म नहीं कर सकते, तुम बर्दाश्त नहीं कर सको कभी ज़िंदगी में किसी और का तसल्लत मुझ पर हुआ, एक यही वजह होती है तुम मर्द अपनी औरत को छोड़ते नहीं हो। उस औरत को किसी दूसरे की दस्तरस में जाते नहीं दे सकते, वरना तुम मर्द इतने जालिम, हम औरतों को हमारी गलतियों की सज़ा तलाक की सूरत में दो, जुदाई तुम मर्दों को नहीं मारती गैरत मारती है, कोई दूसरा कैसे तुम्हारी औरत को छू सकता है देख सकता है। हैना इस शहराम की सुर्ख आंखों में गाढ़े सवाल किए, शहराम ने अपने जबड़े बीचे उसके सवालों का जहर पिया था। तो बताओ मुझे औरत कैसे बर्दाश्त कर सकती उसी मर्द की बेवफाई, बहारे एक हाथ पीठ पर रख के शिद्दत से रो दी थी। बहारे शहराम उसकी तरफ बड़ा उस सरस से पीछे हुई थी, काश तुम तो मुझसे कभी अपनी झूठी मोहब्बत का दावा ना करते, यही एक बात मुझे मारती, मैं कैसे तुम्हारी झूठी मोहब्बत को सच मानती रही। झूठी मोहब्बत नहीं की मैंने तुमसे, मेरे लिए मोहब्बत का नाम ही बहारे खान है, शहराम ने बहारे को देख तड़पते लहजे में कहा, मेरे लिए बेवफाई का नाम शहराम खान है, बहारे रोते हुए बोली। यकदम स्टिचेस में शदीद दर्द की तड़प कर रह गई थी, इसके लबों से दिलसोज चीख बरामद हुई थी। शराम ने जल्दी से उसे बहराम से लिया, उसे सीने से लगाते लगाते बहारे की कलाई जकड़े उसे बहुत आराम से बेड पर बैठाया। बहारे पेट पर हाथ रख के गहरे सांस लेते बेड पर बैठी थी। शराम ने रोते हुए बहराम को सीने से लगाया, उसे उसके कॉट में डाला, उसे झूला देते सहलाने की कोशिश की, वो हिचकियां लेते थोड़ी ही देर में सो गया था। शराम आज के चलता बहारे के करीब आया, जो बेड क्राउन के साथ टेक लगाए आंखें मोते हुए। शराम ने उसकी पेट से फ्रॉक सरकाते ऊपर किया, रहने दो, बहारे ने उसका हाथ पीछे किया था। शहराम उसका हाथ सख्ती से पकड़ उसकी फ्रॉक ऊपर खसका गया था। शहराम ने स्टिचेस पर लगी पट्टी एहतियात और नरमी से रिमूव की, कुछ स्टिचेस में से ब्लड निकल रहा था, इनकी हालत देख खराब देख थी, शहराम ये देखते लब भींच गया। बाहर इतनी लापरवाही, अगर ये स्टिचेस खुल गई तो दोबारा लगेंगे और ये ज़्यादा तकलीफ दे होगा, एक डॉक्टर होते तुम इस तरह कर रही हो, मेरे लिए ये तकलीफ कोई मानी नहीं रखती, जो दर्द तुमने मुझे दिया है इस दर्द से बड़ा भी कोई दर्द हो सकता है।
तुम्हारी बेवफाई का दर्द सह लिया ये भी सह लूंगी, तुम्हारे फीके स्मार्ट लहजे में बोलते चेहरा फेर गई थी। शराब ने झंझलाते अपनी गरी पर हाथ फेरा, अपनी गर्दन सहलाते खुद पर काबू पाने की कोशिश की। भारे के ताने उसका अंग अंग सुलगा देते थे। वो इसे देखता ड्रेसिंग रूम के जाने पड़ा, वहां से मेडिकल बॉक्स लाते हुए भारी के पास बेड पर बैठा। काटा निकालते उसने भारी के स्टिचेस पर पाए और डीन लगाते उन्हें साफ की थी और एहतियात से वहां पट्टी की थी। भारे बेड पर लेटी थी शराब की नरमी से पट्टी करने पर भी उसे शदीद दर्द हुआ था। गहरे सांस लेते बेडशीट मुट्ठियों में जकड़ ली। शराब ने उसकी कमर में हाथ डालते उसे बहुत एहतियात से बेड पर बिठाया, उसके बालों को पीछे करते। उसने रफ से अंदाज में उसको जूड़ा बनाया था। शहराम की इतनी केयर पर उसके दिल का दर्द मजीद बढ़ रहा था। साइड टेबल पर पड़ी मेडिसिन और पानी का गिलास उठाकर उसने बहारे की तरफ बढ़ाया। बहारे ने गिलास और मेडिसिन थाम कर मेडिसिन से निकली थी। शहराम ने फिर से उसे कंधों से थाम कर बेड पर लटाया। बारे आहिस्तगी से रुख मोड़ के शहराम कुछ पल उसे देखते रहा। उस पर कंबल देते वो उसके करीब हुआ था। अपना गर्म हाथ उसकी पेशानी पर रखते बहुत नरमी से उसका सर दबाने लगा। बहारी की आंखों से मोती टूट कर बरसते थे। गहरे सांस लेते आंखें मौत गई थी। मिस्टर रिजवान मलिक, आज की मीटिंग में आप मुझे रिप्रेजेंट करेंगे। मुझे एक पर्सनल काम है, मैं जाकर भी अटेंड नहीं कर सकूंगा। और हमने अपने मैनेजर को देखते अपनी रिस्ट वॉच पर नजरें दौड़ाई थी। हूर को कल से नहीं देखा था। रिश्ते का मसला सुलझा कर उसी वक्त इस्लामाबाद के लिए निकल गया था। हूर को उसने अभी भी नहीं छोड़ा था। उसकी गाड़ी हूर की गाड़ी के पीछे नहीं होती थी, सिर्फ वह रोज से चादर में लिपटे जरूर देखता था। वो गाड़ी से उतरते बेताबी से पीछे मुड़कर किसी की तलाश में नजरें दौड़ाई थी। उसकी बेताबियां देखते गहरा मुस्कुराता था। सात माह बाद उसके रब को उस पर रहम आ गया था। मुकाबल की आंखों में उसके लिए तड़प डाल दी थी। मरकर भी उसे नहीं छोड़ सकता। उसकी सिक्योरिटी को लेकर बहुत हसास था, मगर अपनी बीवी को उसे वापस लाना ही था। उसे हूर खानजादा को नज़रअंदाज करना ही था। उसकी बीवी उसकी मोहब्बत पर मगरूर है। वो जालिम थी, बेरहम भी थी। सारी उम्र ऐसे ही गुजारना चाहती, मगर उसके पास नहीं आना चाहती। वो गुजार सकती थी, मगर वो अपनी हूर के बगैर नहीं रह सकता। उसकी बीवी के दिल में खुदा उसके लिए मोहब्बत ना डालता, वो सारी उम्र ऐसे ही गुजार दे लेता। मगर अब जबकि उसे पता चल चुका था उसे चाहती है, उसे अपनी बीवी को अपने पास अपनी बाहों में वापस लाना ही था। और हाँ, मुस्कुराते हुए सीप से टेक लगा के नजरों के सामने वो साड़ी में लिपटी आई थी। मुस्कुराते सेट सांस खींच के से अपनी बीवी को मांगा था, जो पिछले 7 माह में हर सांस में मांगता था। जी सर, अब फिक्र ना करें, मैं अटेंड कर लूँगा। सर, मुझे नहीं लगता हमारे साथ प्रोजेक्ट करने में सीरियस है। रिजवान मलिक ने राम को चेयर से टेक लगाते मुस्कुराते देख कर कहा। मतलब अरहाम खानजादा ने आंखें बंद किए कहा था, सर मुझे अभी खबर मिली है, वो कंपनी सुल्तान शाह की मीटिंग सुल्तान शाह की बेटी और सुल्तान शाह अटेंड कर रही है।
और हम अपनी आंखें खोलती कुर्सी पर छिटका खाकर सीधा हुआ था। आंखों में उलझन के साथ एकदम गुस्सा भी उतरा था। अब नज़रों के सामने इसकी वही बोल्ड ड्रेसिंग आई थी जब उसने बोर्ड ऑफ मेम्ब्रान की मीटिंग अटेंड की थी। हमने इज़तराबी अंदाज में अपनी सफ़ेद शर्ट की खुद को परसकून करने की कोशिश की। हम टेबल पर हाथ जमाते गहरा सांस लेते, वो मीटिंग क्यों अटेंड करी थी आखिर क्यों? उन्हें जबड़े भेजते टेबल पर मुक्का दे मारा। सोहन अलग हड़बड़ा कर रह गया था। अचानक से राम की आंखों में बढ़ती सुर्खी और गर्दन की फूलती रगते लगे देखकर हैरान होता राम को क्या बात बुरी लगी समझ नहीं आती। टेबल पर हाथ जमाए खैर मेरे ही नुक्ते को घूरते किसी गहरी सोच में गुम। दादा के चेहरे पर इज़तराब और उलझन बढ़ती जा रही थी। इस पर किसी सूरत गुस्सा नहीं कर सकती, मगर अब वो क्या चाहती थी? आखिर उसे क्यों परेशान कर रही थी? अगर उसे ये सब कुछ ऐसे चलाना तो ठीक था, सारी उम्र ऐसे रहने को तैयार था, हर तरह की सजा भुगतने को तैयार था, उससे दूर भी रह लेता, मगर आखिर अब आखिर वो क्या? अगर आखिर क्या करना चाहती थी? एक बात से कभी पीछे नहीं हट सकता, वो था अपने आप को गैर मर्दों के सामने एयां करियर। हमने खुद पर काबू पाते वे अपनी हल्की घनी भेंट रद्द की, वो खुद को कवर करके रखती, अपने कॉलेज में भी अपना चेहरा नहीं खोलती थी, मगर उसका मीटिंग अटेंड करने का मतलब समझ नहीं आई थी। राम ने सोचते एक बार बार खुद से परसकून करने की कोशिश की। सर हूर सुल्तान शाह बहुत कम उम्र है, वो मेडिकल की आंख फर्स्ट ईयर में, समझ नहीं आ रहा था मीटिंग आखिर वो क्यों अटेंड करी, और सबसे अहम बात हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया गया कि मीटिंग हूर सुल्तान शाह अटेंड करिए। मगर मुझे पता चला है सुल्तान शाह ने अपनी बेटी के लिए स्पेशल कमरा रातों रात तैयार कराया, अपनी कंपनी की सिक्योरिटी भी रातों रात बढ़ा दी। अब इस कंपनी में इतने वर्कर नहीं जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं। मैंने सुना था सुल्तान शाह अपनी बेटी को लेकर बहुत बदसस्ती हैं, आज मुझे अंदाज़ा हुआ है ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है। सुल्तान शाह वाकई में जज्बाती हैं, वरना वो तो इतने बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी कभी अपनी कम उम्र बेटी को ना सौंपते। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी बेटी की कोई बचकाना ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन समझ नहीं आता वो सुल्तान शाह आखिर हमारी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट में इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं। रिजवान मलिक के राम के परसोच सुर्ख चेहरे को गौर देखते बता रहा था। राम रिजवान मलिक के आखिरी जुमले पर वो चौंका था और हाँ के खूबरू चेहरे के माथे की वीन जाहिर हुई थी। ठीक है सर, मैं और हमारी टीम मेंबर्स निकलते हैं इस मीटिंग के लिए, देखिए क्या कहती हैं सुल्तान शाह की इकलौती बेटी। रिजवान मलिक कहते अपनी चेयर से उठा था। एक मिनट मिस्टर रिजवान मलिक, ये मीटिंग आप नहीं मैं अटेंड करूंगा, हम रिजवान मलिक को देखते संजीदगी से कहा। जी सर, रिजवान मलिक ने हैरत से राम को देखा था। आज की मीटिंग मैं अटेंड करूंगा, आप में से कोई भी मेरे साथ नहीं होगा, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी भी नहीं मेरे साथ होगी, राम संजीदगी से कहता कुर्सी से टेक ला। रिजवान मलिक मजीद हैरान हुआ था। राम अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के बगैर मीटिंग अटेंड नहीं करता, मगर आज वो बगैर प्रेजेंटेशन की मीटिंग तनहा अटेंड करने को कह रहा था। हम से मुस्कुराहट फैली थी, हम शायद सुल्तान शाह की इकलौती बेटी के साथ अकेले मीटिंग अटेंड करना चाहता, शायद बहुत से मर्दों की तरह वो भी सुल्तान शाह की बेटी को अप्रोच करना चाहता था। सुल्तान मलिक ने राम की शानदार पर्सनैलिटी को बखौर देखा जो सफेद कलर के पेंट कोट में गजब ढा रही थी। तो
तो सुल्तान शाह की बेटी बहुत खूबसूरत है, मगर हराम खान ज़्यादा जैसे बंदे से ये उम्मीद नहीं थी। यूँ और सुल्तान शाह को देखने के लिए मरा जाएगा या वो भी एक आम मर्द की तरह ठरकी होगा। जी सर, जैसे आप कहें। रिजवान मलिक अपनी टाई टाई नी की नॉट ठीक करते चला। समझ नहीं आता हूँ सुल्तान शाह हमारी कंपनी के साथ आखिर प्रोजेक्ट में इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं। रिजवान मलिक के लफ्स याद करते उसकी आईब्रो तनी थी, लेकिन समझ नहीं आता हूँ सुल्तान शाह आखिर हमारी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट में इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं। उसे फिर से टेक लगा के अपना निचला लब दांतों तले दबाए हूर की आंखों में उतनी जलन याद की जिसकी आंखों लहजे में तड़प थी। तो मेरी बीवी मुझसे मिलना चाहती है, मुझसे अकेले में मिलना चाहती है, मुझ पर अपनी पावर शो करना चाहती है, मुझे बताना चाहती है। वो गुल की तरह एक आम लड़की नहीं बल्कि हूर सुल्तान शाह है। आराम सीट से टेक लगाए आंखें कहरा मुस्कुराया था। जो आज की एपिसोड रेडी होती है तो मुझे इस एपिसोड को रिकॉर्ड करने में पूरा 1 घंटा लगा है। मेरी एपिसोड आज जल्दी ही तैयार हो गई थी, 8 o'clock तैयार हो गई थी। फिर उसके बाद पेजेस बनाए, डिफरेंट काम किए। अल्लाह हाफिज़।